हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वर्ल्ड मैपिंग की शुरुआत करते हैं हम आज। लेट्स क्रैक इट। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन हिंदी। छोटा सा परिचय मैं अपने बारे में दे दूं। 2005 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर, इसके उपरांत प्रिंट मीडिया में सक्रियता रही। हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड प्राप्त किया। थर्ड जेसीए साक्षात्कार में शामिल होने के उपरांत 2010 यूपीएससी मेंस में शामिल होने का मौका मिला। 90% से अधिक संस्थानों में पढ़ाने का अनुभव हुआ, जिसका फायदा आपको भी मिलता है। इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत कुछ मिलता है, जैसे डेली लाइफ क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, टॉप एजुकेटर के साथ चर्चा और वेरियस कोर्सेस। इतने कोर्सेज जिनकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। लेकिन इन सबका फायदा उठाने के लिए आपको करना क्या होता है? छोटा सा काम है ये, बहुत कोई टफ जॉब नहीं है इसमें। बस आपको गूगल प्ले स्टोर से अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है ना? अगर ये आप कर लेते हैं तो आपको ढेरों फायदे मिलते हैं जो आप उम्मीद नहीं कर सकते इतनी कम फीस में। जैसे कि आपको जो लाइव क्लासेस मिलती हैं वो डेली मिलती हैं, आप अपने एजुकेटर के साथ डिस्कस कर सकते हो, एंगेज कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, आंसर पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हो आप लोग, और लाइव टेस्ट और क्विजेस ये चलता रहता है, जिसमें कि जब तैयारी चल रही है आपकी तो आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करना चाहते हैं कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या स्तर हुआ है आपका, आप परीक्षा को पास करने से कितने नजदीक हैं या दूर हैं, ये सब कुछ आपको इसके माध्यम से पता चलता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस हैं यहाँ पर, जितने भी कोर्सेस हैं वो स्ट्रीमलाइन किए गए सिलेबस को देखकर, ताकि आप इसके अनुसार अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। अनलिमिटेड एक्सेस, सब्सक्रिप्शन जो है ना, ये आपको सभी तरफ से लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज, जो सब्सक्रिप्शन एक बार लेते हैं तो लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलती हैं। आप कहीं भी हो, आपके पास सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। फ्लाइट में, बस में, घर में, कहीं भी आ जा रहे हो, आप ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं इंटरनेट की सुविधा के साथ। फीस कितनी देनी है आपको? कुछ भी नहीं देना है। 7,200 रुपये फीस है आपकी 1 महीने की, 12 महीने की 39,600, 24 महीने की 57,600। कुछ भी फीस नहीं है दोस्तों, ये आपको भी पता है। इतनी कम फीस तो 2 साल में कहीं भी इतनी कम फीस में पढ़ाई नहीं होती, और इतनी गुणवत्ता के साथ, है ना? खैर आगे चलते हैं। आज एक नई चीज आपके लिए है, अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये हमारी तरफ से दिया जा रहा है। ये प्रोग्राम है एज अ पर्सनल कोच, जहां आपको एजुकेटर आपको पर्सनली आपकी तैयारी कराएगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। आपकी अपनी स्टडी होगी, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी, है ना, और सब कुछ आपका अपना होगा। इस तरह से आप प्लस से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे ये कि उसमें अनअकैडमी में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन साथ साथ में एक और सुविधा आपको दी जा रही है जो कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का है। इसमें आप अपने टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रह सकते हैं, उस मेंटरिंग आपकी होती रहेगी, है ना, और इंफॉर्मेशन और रिलेशनल नेचर के साथ वो एडवाइजर की तरह आपके साथ रहेंगे, है ना, और पूरे सब्जेक्ट पे, पूरी तैयारी पे डिटेल एनालिसिस होती रहती है। फायदे कितने आप देख लीजिए, पर्सनल कोच आपको मिल रहा है और मोटिवेशन गाइडेंस भी साथ में मिलता है। डेली रिपोर्ट्स आपकी आपको प्रोवाइड की जाती है, आप कहाँ हैं कहाँ नहीं है, प्रोफाइल रिव्यू भी आपकी कराई जाती है। स्टडी बूस्टर सेशन है, डेली आंसर राइटिंग, बिकॉज बिना राइटिंग के तो आप मेंस पास नहीं कर पाएंगे। ये काम अपने एजुकेटर के साथ आप डेली कर सकते हैं। टारगेटेड करेंट अफेयर आर्टिकल, डेली क्विजेस, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप, ये सब कुछ होता है। स्टडी बूस्टर सेशन है ना, इसमें आप देख रहे हैं कि आप बहुत कुछ पा सकते हैं। आप अगर ये पूरी डिटेल देखते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपको इतना सारा कुछ एक पर्सनल कोच के रूप में मिल रहा है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो उसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए, है ना। फीस आपकी देखिए 12 महीने की, है ना, और ये 24 महीने की जो फीस है ईएमआई के साथ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना, और मेरा रेफरल कोड अभी इसमें डला नहीं है, ऐसे आपको मैं बता दूं, रेफरल कोड जो है वो NKSUS है। NKSUS रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं, और इस कोड को यूज करके आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। लगभग आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है, ये सारा कुछ इस रेफरल कोड के बजाय ही मिलता है। 10% आप
को छूट मिलती है इसमें, और कुल मिला के जो 99,000 रुपये 24 महीने का है, कुछ भी नहीं है। आप दिल्ली में लाखों की लाखों क्या मतलब, मैं तो कह दूँ 5-6 लाख रुपए लगते हैं कम से कम 2 साल के, इसमें आप रहते खाते ट्रांसपोर्टेशन सारा कुछ लगता है, और वो भी भीड़ में बैठे होते हैं। आप 400 की भीड़ में कुछ भी आप उससे डिस्कशन नहीं कर सकते, आपको टीचर पहचानता भी नहीं। यहाँ देखिए आप 99,000 में आपको इतना कुछ मिल रहा है, पर्सनल गाइडेंस या और कहीं नहीं मिल सकता। तो आप इस कोर्स के लिए जरूर इंटरेस्टेड हो और अपना फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं, है ना। तो ये सब आपके पास 12 महीने का और 24 महीने का जो है, अब ये 12 महीने का है मतलब 1 साल का है, पहले जो मैंने बताया ये 2 साल का था। इस तरह से आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और धमाकेदार फायदा उठा सकते हैं आप, है ना। ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप, आज की जो क्लास है हम अफ्रीका चलते हैं। अफ्रीका जो है वो एक ऐसा महाद्वीप है जिसे हम डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। डार्क कॉन्टिनेंट देख ले कौन कौन से लोग जुड़ गए हैं। हावनीस गुड मॉर्निंग, सोनल गुड मॉर्निंग, प्रिया गुड मॉर्निंग, अफरोज गुड मॉर्निंग, अवनीस गुड मॉर्निंग, अनुराधा गुड मॉर्निंग, चलिए आगे चलते हैं। अफ्रीका के महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप पर चर्चा शुरू करते हैं। और अफ्रीका आपने देखा है, अफ्रीका आपने सुना है, अफ्रीका बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट है क्योंकि इसमें ढेरों विभिन्नताएं इसमें भी हैं, जैसा हमने दक्षिण अमेरिका में देखा था, है ना। और इसको मैंने बताया कि भाई इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो खजाना है बहुत ज्यादा है, इसमें खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, उनका भंडार है जिनका पता ही नहीं है, इतने भंडार है जिसका पता नहीं है, इसलिए डार्क कहते हैं, अंधेरा है यहाँ पे, बट बहुत ज्यादा खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। तो देखिए अफ्रीका शब्द की उत्पत्ति बर्बर भाषा के इफ्री या इफरान से हुई है ना। इफरान इफ्री जिसका अर्थ क्या होता है, गुफा, गुफा में रहने वाली जातियों के लिए प्रयोग किया जाता है ये। कुछ का मानना है कि इस महाद्वीप में सबसे पहले मानव का जन्म एवं विकास हुआ, मानना है, देखिए मानना है तो ये हम मान कर चलते हैं क्योंकि किसी ने देखा नहीं है, उस समय तो हम आप थे ही नहीं, तो मानकर ही चलेंगे, और यहीं से जाकर दूसरे महाद्वीपों में लोग बसे हैं, है ना। इसीलिए इसे मानव सभ्यता की जन्मभूमि कहते हैं। किसको, अफ्रीका को मानव सभ्यता की जन्मभूमि कहते हैं, क्योंकि यहीं से लोग, यहाँ से दूसरी जगह माइग्रेट प्रवसन हुआ था उनका। हाँ ड्यू टू महेश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका एशिया के बाद मतलब दूसरे नंबर का महाद्वीप है ना, सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का एशिया के बाद। पेलियंथ्रोपोलॉजिस्ट, पेलियंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलकर दिखाओ सब, ये पेलियंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलकर बताओ। ये देखो किसको कहते हैं पेलियंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो मानव जीवाश्मों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं, जो मानव जीवाश्मों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं, पेलियंथ्रोपोलॉजिस्ट। और उनके अनुसार पृथ्वी का सबसे पुराना क्षेत्र है जहां मानव प्रजातियां विकसित हुई हैं, सबसे पुराना क्षेत्र है जहां मानव प्रजातियां विकसित हुई हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है अवनीश, अफरोज सही है। तुम लोग, ये आवाज तो नहीं आ रही मेरे पास लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम बोल लोगे, है ना, पेलियंथ्रोपोलॉजिस्ट, खुद से बोलकर देखना। चलो आगे चलते हैं। तो ये तो सबसे मानव प्रजातियां यहाँ विकसित हुई थी ये माना जाता है अभी तक, और प्रमाण भी जो मिलते हैं उसके अनुसार अफ्रीका में ही मानव सभ्यता का जन्म हुआ था, है ना, जो प्रमाण मिलते हैं मैंने पहले ही बता दिया। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है किसके बाद, एशिया के बाद, ठीक है। अच्छा ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों में अफ्रीका का द्वितीय स्थान, अभी मैंने बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से
अफ्रीका का क्या है, द्वितीय स्थान है ना, तटवर्ती द्वीप समूह। आपको ये याद रखना है, ये याद नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने फैक्ट्स आप अपने दिमाग में नहीं याद रख सकते, इतने फैक्ट्स रखने का कोई फायदा भी नहीं है। अच्छा, विषुवत रेखा इस महाद्वीप के मध्य से जाती है, कौन? विषुवत रेखा। ध्यान है, आपको पता भी होगा, ये देखिए यहाँ पे जो इक्वेटर है बिल्कुल इसके मध्य से जा रही है। इक्वेटर जो है दिख रहा है आपको, बिल्कुल मध्य से जा रही है। और देखिए कॉन्गो नदी दो बार काट रही है यहाँ पे, कॉन्गो नदी विषुवत रेखा को दो बार काट रही है। विक्टोरिया झील यही है, बिल्कुल विषुवत रेखा के पास विक्टोरिया झील भी है ना। जो तोतला होगा वो नहीं बोल पाएगा, बिल्कुल सही है। हाँ महेश, क्या पूछ रहे हो? सर अफ्रीका को अटलांटिक महासागर के कारण अंध महाद्वीप कहते हैं? नहीं, अंध महाद्वीप अटलांटिक महासागर के कारण नहीं कहते हैं। अंध महाद्वीप कहते हैं मतलब डार्क, इसमें अंधेरा है। अंधेरा मतलब कुछ भी नजर नहीं आता, जो खनिज छुपे हुए हैं वो नजर नहीं आ रहे, ठीक है? बहुत सारे खनिज अंदर दबे हुए हैं जो नजर नहीं आते, इसलिए इसको अंध महाद्वीप कहते हैं, है ना? हाँ मन्नू सही है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ गुड मॉर्निंग मंताशा, आतिफ गुड मॉर्निंग, संजय गुड मॉर्निंग, ठीक है सब लोग आ चुके। आगे चलिए देखते हैं। विषुवत रेखा इस महाद्वीप के मध्य से जाती है ना, इस महाद्वीप के मध्य से जा रही है। और यहां पर आपको दिखेगा कि भाई अफ्रीका दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में चौड़ा है, दिख रहा है ना? अब आपको याद रखना है ये कि भाई ये जो अफ्रीका एक किस तरह का है, ये देखिए अगर ऐसे भी मैप आप बना लेते हैं, कितना आसान है ये अफ्रीका का मैप, है ना? ये ऐसे नहीं लग रहा किसी चिड़िया का सिर है, ये उसकी चोंच है, यहां पे बना दो आंख, है ना? किसी चिड़िया की चोंच है, इस तरह से भी तुम याद रख सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर है, अफ्रीका के पूर्व में क्या है? हिंद महासागर। पूर्व मतलब इस तरफ, इधर हिंद महासागर, ये देखिए हिंद महासागर। पश्चिम में अंध महासागर, पश्चिम पश्चिम ये है, अटलांटिक ओशन को अंध महासागर कहते हैं। और उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर में ये भूमध्य सागर है, आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में ये पिक्चर आपकी जनरेट होनी चाहिए, है ना? दिमाग में हाँ, बहुत अच्छी बात है हार्दिक, ठीक है। रिड्यूस टीचर टॉक टाइम एंड कीप इट टू द मिनिमम, टेक अप क्वेश्चंस फॉर डिस्कशन टू इनकरेज पीपल्स टू पार्टिसिपेट, टू मार्शल देयर आइडियाज एंड एक्सप्रेस एंड डिफेंड देयर व्यूज। क्या बात है, बिल्कुल सही है। तो ये एक बार भी लिखते तो हो जाता हार्दिक, कितनी बार लिख रहे हो? चलो ठीक है, पूछो भाई। तो ये देखो ये जो अफ्रीका है इसकी क्या ये कॉन्टिनेंट है, और कॉन्टिनेंट में क्या होता है? कहीं ना कहीं तो ये मेडिटेरेनियन सी उत्तर में दिखाई दे रहा है, इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको? इधर दिखाई दे रहा है इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, और ऊपर मेडिटेरेनियन। इस महाद्वीप में विशाल मरुस्थल, ध्यान रखिए विशाल मरुस्थल भी पाए जाते हैं, अत्यंत घने वन, विस्तृत घास के मैदान, बड़ी बड़ी नदियां, झीलें, विचित्र जंगली जानवर, ये सब क्या कहलाती हैं? ये सब कहलाती हैं भाई कि अफ्रीका में जैव विविधता बहुत है, जैव विविधता बहुत है, इसका यही मतलब है ना, मतलब बायोडायवर्सिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहां से इक्वेटर क्रॉस कर रही है, ठीक
और इक्वेटर क्रॉस करी तो यहाँ बारिश ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होगी तो पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो क्या होगा, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो भाई जीवों की संख्या भी ज्यादा होगी, प्रजातियों, पेड़ पौधे अपने आप में प्रजाति है, और पेड़ पौधे होंगे प्राथमिक उत्पादक है तो उनको खाने के लिए उपभोक्ता भी आएंगे, जानवर भी आएंगे। इस तरह से जैव विविधता बढ़ती है जहां बारिश ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है। और अफ्रीका के बीचों बीच, अफ्रीका के बीचों बीच देख सकते हो कि यहां पर विषुवत रेखा गुजर रही है, तभी जैव विविधता इसके आसपास बहुत पाई जाएगी, इस क्षेत्र में जैव विविधता बहुत होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए यहां पर है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र से दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र तक विस्तार करने वाला, ध्यान रखिए एकमात्र महाद्वीप, इकलौता महाद्वीप है अफ्रीका, आपको याद रखना चाहिए प्रश्न के दृष्टिकोण से भी अगर कुछ पूछा जाता है, इकलौता महाद्वीप है ये। देखिए इकलौता महाद्वीप है जिसके जो जिसका आधा हिस्सा, ये हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में और ये हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में है, इकलौता महाद्वीप है जो शीतोष्ण कटिबंधीय, क्योंकि इक्वेटर यहाँ है और ये देखो मकर रेखा यहाँ है, ठीक है, कर्क रेखा इधर है, तो इकलौता ये है महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कौन कौन सी, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो कुल मिला के पूरा का पूरा अफ्रीका किस क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तक फैला हुआ है, ऊपर और नीचे भी, देख रहे हैं यहां तक तो उष्ण कटिबंधीय हो गया, ये बाउंड्री उष्ण कटिबंधीय की हो गई दोनों तरफ से, और ये जो क्षेत्र हो गया ये शीतोष्ण कटिबंधीय का, ये भी क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय का, इसका मतलब अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय से थोड़ा ज्यादा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी मिलता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, इसको तो ध्यान में रखना है। अब आगे देखो क्षेत्रफल, अफ्रीका का क्षेत्रफल मैं बता दूं, ये याद नहीं रखना है आपको, इसको याद रख के अपने दिमाग को डंपिंग जोन नहीं बनाना है, डस्टबिन नहीं बनाना है, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हाँ ये आइडिया रखना है आपको दिमाग में कि संपूर्ण विश्व का कितना हिस्सा है, 20.4% है पूरे विश्व का, जनसंख्या कितनी है संपूर्ण विश्व की, 16.36%, आपको याद रखना है लमसम में 16 या 17, ठीक है, इतना ही याद रखना है, सारे डेटा फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, है ना। और ये देखिए घनत्व तो कितना है इसका, पूरे अफ्रीका का है ये, 31 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कुल 54 देश हैं फरवरी 2017 के अनुसार। अफ्रीका इकलौता महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है, भूमध्य रेखा भी बताया मैंने इसके बिल्कुल बीच से गुजरती है, ये भी आपने देख लिया। ठीक है, सोनल सिंह टेलीग्राम है इक्वेटर आईएस, भाई देख लो टेलीग्राम है EQUATOR इक्वेटर आईएस। ठीक है आगे चलो देखते हैं। हाँ देवेंद्र ने बता दिया देखो, ठीक है आगे चलते हैं। सोनम कन्वेंशनल रेनफॉल होती है विषुवत रेखा पर, लक्ष्मी कुमार और टेम्परेचर का इफेक्ट बिल्कुल। ठीक है आगे देखो, मानव निर्मित स्वेज नहर, मानव निर्मित स्वेज नहर मिस्र से होकर गुजरती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ये देखो ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है और ये लाल सागर है, इन दोनों को जोड़ने वाला कौन सा नहर है यहाँ पे, यहाँ पे स्वेज नहर, स्वेज कनाल, इस जगह पे स्वेज कनाल है जो कि किसको जोड़ता है, ध्यान रहना ये इस बात को, प्रिलिम्स में इस तरह के फैक्ट्स प्रिलिम्स के लिए आपको तैयार रखने हैं। ठीक है, क्या ये फैक्ट, स्वेज नहर कहाँ से होकर गुजरती है, मिस्र से, किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर व लाल सागर को। ठीक है, अच्छा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, सबसे बड़ा देश अल्जीरिया और सबसे छोटा देश सेशल्स है ना, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश
नाइजीरिया है, ध्यान में रखना आपको, ठीक है? यस, आगे चलिए। अफ्रीका महाद्वीप धरती का सबसे गर्म महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप धरती का सबसे गर्म महाद्वीप है। क्यों गर्म महाद्वीप है? क्योंकि ये देखिए, उस ये कर्क रेखा और मकर रेखा इन दोनों के बीच में पड़ता है, और विषुवत रेखा ये है, मैं पहले बता चुका हूं, और इस पिक्चर को आपको दिमाग में रखना है। जब ये पूरा का पूरा अफ्रीका जो है कहाँ पड़ता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र है ना? और गर्म क्षेत्र है तो भाई यहाँ गर्मी तो होगी ज्यादा, मरुस्थल बनने के कारण कुछ और है। यस, आगे चलते हैं। देखिए, अफ्रीका में मुसलमानों की जनसंख्या कितनी है? 52%। जो इस्लाम को अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा धर्म बनाती है। अगर पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, इस्लाम है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है, 52%। ईसाइयों का नंबर इसके बाद आता है, किसके बाद? मुस्लिम धर्म के बाद, ठीक है? अफ्रीका महाद्वीप में हिंदुओं की जनसंख्या बेहद कम है। तो हिंदुओं की जनसंख्या कम तो होगी, क्योंकि हिंदू वहां माइग्रेट करके गए हैं, थोड़े बहुत हिंदू गए हैं, वो भी काम करने के लिए, जिनको वही रोजगार की दिक्कत है, तो इसलिए वहां संख्या कम है। मॉरिशस इकलौता देश है, ये ध्यान रखिए, अफ्रीका का ही एक हिस्सा है मॉरिशस। मॉरिशस इकलौता देश है जिसमें हिंदुओं की संख्या 48% के करीब है, ठीक है? विश्व के 7 महान आश्चर्य की सूची में मिस्र के पिरामिड शामिल है ना? मिस्र को एशिया और यूरोप का जंक्शन भी कहते हैं। किसका? एशिया और यूरोप का जंक्शन भी कहते हैं। यस, हाँ, वहां हिंदू अल्पसंख्यक है बंधु। भाई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कुछ नहीं होता, हम सब इंसान है ना? और ध्यान रखना, हम सब इंसान है और सबका ईश्वर एक ही है, चाहे उसको विभाजित किया गया है, पॉलिटिकली सबको विभाजित किया गया है, लेकिन हम सब क्या है? इंसान है। और सबका धर्म क्या है? इंसानियत, ठीक है? और ईश्वर एक ही है सबके लिए। ये देखिए, मिस्र को एशिया और यूरोप का जंक्शन कहते हैं, है ना? मिस्र को एशिया और यूरोप का जंक्शन भी कहते हैं। क्यों? ये देखो, इधर से जाओगे तो यूरोप पहुंच जाओगे, इधर जाओगे तो एशिया, तो दोनों के बीच में, ठीक है? दोनों के बीच में ये देखो, दुनिया की सबसे लंबी नदी, अब बताओ कहां पर है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कहां पर है? अफ्रीका में। कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से। ये दिख रहा है विक्टोरिया झील यहाँ पे? यहां से नदी निकलती है और गिरती है भूमध्य सागर में। ये देखो, मैं इसको जूम करके दिखा दे रहा हूं। देखो, ये विक्टोरिया झील है और ये जो नदी है ये नील नदी है, ठीक है? हाँ, नील नदी सबसे लंबी नदी है, विक्टोरिया झील से निकल रही है। इसकी प्रमुख नदियां विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है और गिरती कहाँ है? भूमध्य सागर में। विक्टोरिया झील की प्रमुख नदियां, प्रमुख सहायक नदी नीली नील एवं श्वेत नील है। अच्छा, आसवान बांध कहां पर है? नील नदी पर है, ध्यान रहेगा, आसवान बांध नील नदी पर है। अफ्रीका की और भी नदियां हैं, आगे देखेंगे, जैसे जाम्बेजी, नाइजर, जायरे, ऑरेंज, लिम, अभी हम देखेंगे इन सबको, ठीक है? आगे
दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। कहाँ पर है? अफ्रीका में ही है। ये क्षेत्र पूरा सहारा का है। ये देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा यहाँ पाया जाता है ना? यस। पीडीएफ समेत मिल जाएगा इसका आज, इक्वेटर आईएस के टेलीग्राम से ले लेना, ठीक है? देखिए, सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग इतना है, बहुत बड़ा है। अच्छा, एक झील है, ध्यान रखना, चाड झील। चाड झील भी सहारा मरुस्थल में ही है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पानी का झरना, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पानी का झरना विक्टोरिया फॉल है। कौन सी नदी पर है विक्टोरिया फॉल? जम्बेजी नदी पर। अभी मैं दिखाऊंगा नदियां कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी, ठीक है? जम्बेजी नदी पर। अफ्रीका का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, विश्व का नहीं है, अफ्रीका का, ध्यान रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? नियाग्रा। सबसे ऊंचा कौन सा है? एंजल, ठीक है? अब आते हैं महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य। ये तो एक ओवरऑल जानकारी हो गई थी, मतलब आपको एक सामान्य सी जानकारी दी गई। अब महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य की तरफ आते हैं, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। अफ्रीका से संबंधित महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य, ये बताया था आपको कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? अफ्रीका से। ये देखिए, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इकलौता महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, सुएज नहर, लाल सागर, अरब सागर, ये सब, ये जो जलीय भाग अभी मैंने बताए, जिब्राल्टर, भूमध्य, सुएज, लाल सागर और अरब सागर, इसको ये एशिया और यूरोप से क्या करती हैं? अलग करती है एशिया और यूरोप से। निआगरा सबसे बड़ा में है, सबसे ऊंचा एंजल है, एंजल फॉल, वेनेजुएला वाला, ठीक है? ये देखिए, एशिया और यूरोप से अलग करती है। आगे चलते, ये देखो, ये सारे रास्ते, अब देखो, ये जिब्राल्टर की जल संधि यहां दिख रही होगी, स्वेज नहर यहां पर है ना, भूमध्य सागर ये है, लाल सागर इधर है, अरब सागर भी इधर ही है। अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, जिब्राल्टर की जल संधि, ठीक है, सुवेज नहर, ये सब बाउंड्री है, सीमा है किसकी? ये देखिए भाई, कौन कौन से जलीय भाग अफ्रीका को यूरोप और एशिया से अलग करते हैं? राहुल एस, राहुल टेलीग्राम लिंक पे, इक्वेटर आईएस है ना, देखो ये बता दिया सब लोगों ने फटाफट, थैंक यू अफरोज, देवेंद्र। ये देखो, जो जलीय भाग है कौन कौन से जो अफ्रीका को यूरोप और एशिया से अलग करते हैं? ये हिस्सा पूरा यूरोप है, ये वाला पूरा हिस्सा यूरोप है, और इधर क्या है? एशिया। यूरोप और एशिया से अलग करता है कौन कौन? ये देखिए, जिब्राल्टर की जल संधि, भाई यहां से निकल के चले जाओगे किधर? यूरोप की तरफ। भूमध्य सागर को पार करके चले जाओगे यूरोप की तरफ। सुएज नहर को पार करके चले जाओगे एशिया की तरफ। लाल सागर को भी पार करके चले जाओगे एशिया की तरफ, ठीक है? और बिल्कुल बिल्कुल मन्नू, अब ये देखो, इसमें जो जल संधि और ये सागर, यही सब बाउंड्री है जो इनको अलग कर रहे हैं, जो इनको अलग कर रहे हैं, ठीक है? इसमें देखो, यहाँ पे
लाल सागर हो गया, इधर अरब सागर है, इधर जिब्राल्टर था, ये भूमध्य सागर है, यही सब तो अलग कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, देखिए प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं इसमें से मैं बता दूं जो प्रमुख हैं, सारे प्रमुख नहीं है। अहगर माउंटेन, यहां पर है अहगर पर्वत, ठीक है। इसके बाद माउंट केनिया, ये महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है वही बता रहा हूं, बाकी आधे की जरूरत नहीं है, है ना। इथियोपियन पठार, यहां इथियोपियन पठार है ना, और ये देखो नाइजीरिया एटलस माउंटेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एटलस पर्वत यहां पर है, ठीक है। और अल्जीरिया पर्वत वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, है ना। जो इंपॉर्टेंट है मैंने अंडरलाइन कर दिया, इनको याद रखना, बाकी को छोड़ दो। हाँ ये याद रखना, माउंट किलिमंजारो और माउंट केनिया, यहां पर देखो किलिमंजारो है और ये माउंट केनिया है। माउंट किलिमंजारो, माउंट केनिया अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, और ये दोनों ज्वालामुखी पहाड़ है, दोनों ज्वालामुखी पहाड़ है, ठीक है। कौन कौन से, माउंट केनिया और माउंट किलिमंजारो। चलो इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो अफ्रीका के इंपॉर्टेंट पर्वत और पठार, एटलस, अहगर, इथियोपियन, केनिया, किलिमंजारो, है ना। यहाँ पे माउंट कैमरून, ये भी देख लेना, माउंट कैमरून, जोस का पठार, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, बस अवस्थिति देखनी और कुछ नहीं करना इसमें। करंट अफेयर से जब तक ये अटैच नहीं है तब तक ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जब तक ये करंट अफेयर से नहीं जुड़ेंगे। माउंट किलिमंजारो और माउंट केनिया ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये सब तभी होगा जब ये किसी न किसी करंट अफेयर की न्यूज से जुड़े होंगे, तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अन्यथा सिर्फ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किलिमंजारो इंपॉर्टेंट है तो देख लीजिए किलिमंजारो को, थोड़ा सब लोग देख लीजिए किलिमंजारो। आइए आपको मैं गाइड की तरह किलिमंजारो दिखाता हूँ, ये है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ये देखिए ऊंचा पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो, दिख रहा है आपको सबको स्क्रीन पे। हाँ और इसकी ऊंचाई कितनी है ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पर ध्यान रखना आपको, है ना। 5,895 मीटर। कौन कौन से लोकेशन देख लो इसकी, तंजानिया और केनिया की सीमा पर है, लेकिन मुख्य रूप से ये तंजानिया में है, ध्यान रखना मुख्य रूप से कहाँ है, तंजानिया में और केनिया के बॉर्डर पे। बॉलीवुड की फिल्म रोबोट का गाना क्या क्या, किलिमंजारो लड़की पर्वत की आरो ऐसी पर्वत, ये इंफॉर्मेशन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये बेकार की इंफॉर्मेशन। आगे चलो, एटलस पर्वत, अतलास या एटलस, कितनी लंबी पर्वत श्रृंखला है, 2,500, ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात, ये किन देशों से होकर गुजरती है एटलस, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। ये देखो ये एटलस पर्वत था, तो ये जिस क्षेत्र में, यहाँ कई देश है, कौन कौन से, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, यस, ठीक है।
और एटलस का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एटलस पर्वत श्रृंखला जो 2500 किलोमीटर लंबी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तुबकल, मोरक्को में है तुबकल, तुबकल पर्वत, ध्यान रहेगा, तुबकल पर्वत एटलस का सबसे ऊंचा ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे चलते, ये महत्वपूर्ण तथ्य है ये सब। मैंने पहले ही बताया कि भाई अगर ये और भी महत्वपूर्ण हो सकता है जब ये करंट अफेयर में पूछा जाए, ठीक है, अन्यथा इस सारे तथ्यों को याद करके अपने दिमाग को डस्टबिन नहीं बनाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में ये दिमाग हैंग कर जाएगा। अगर बहुत ज्यादा फालतू के फैक्ट होंगे तो हैंग कर जाएगा और सही इंफॉर्मेशन निकालना मुश्किल होता है, ठीक है ना। आगे चलिए, प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? ये देखिए, मैंने कहा था नदियों की चर्चा आगे होगी, है ना, अभी मैंने कहा था नदियों की चर्चा आगे होगी। ये देखिए, नील, नील का है? ये नील दिख रही है आपको, यहां से निकली है, विक्टोरिया झील से, और ऐसे ये जा रही है भूमध्य सागर में। ब्लू नील इसकी सहायक नदी है, देखिए ब्लू नील सहायक नदी है। नील दिख गया आपको, नील नदी है, देखिए विक्टोरिया झील से निकली और भूमध्य सागर की तरफ जा रही है, और ब्लू नील इसमें सहायक नदी जुड़ती है। ये ब्लू नील है और ये सफेद नील है, विक्टोरिया से निकली सफेद नील, आगे चल के जुड़ी ब्लू नील और मिलकर बन गई नील, है ना, सफेद नील और ब्लू नील मिलके बन गई नील। तो हाँ, नील को नाइल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। लिम्पोपो नदी, ये देखिए यहां पर लिम्पोपो नदी है, दिख रहा है लिम्पोपो नदी, और यहां दिख रहा होगा आपको ऑरेंज नदी, है ना, और जम्बेजी, ये देखिए यहां से जम्बेजी आ रही है और यहां जा रही है। इन सब का डायरेक्शन मैं बता दे रहा हूं। ये इधर जाने का, इधर जाने का, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, जो तीर बने हैं वो नदियों की दिशा है, जो भी तीर बना हुआ है वो नदियों की दिशा है, ठीक है। तो आपने देख लिया कौन कौन सी नदी, देख लिया आपने नील, लिम्पोपो, ऑरेंज, जम्बेजी, है ना, और ये देखिए कॉन्गो, अलग रंग से दिखाता हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये है कॉन्गो नदी, कॉन्गो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, मैंने पहले बताया था ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, कॉन्गो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कॉन्गो, नाइजर, ये देखिए ये सेनेगल, सेनेगल का डायरेक्शन ये है, कॉन्गो का डायरेक्शन ये है, और नाइजर का डायरेक्शन ये है। जो तीर है वो उनकी दिशा है, ठीक है, जो तीर है वो नदियों की दिशा है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, यही अफ्रीका में स्थित है, विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में मिलती है, बता दिया आपको। कॉन्गो नदी के बारे में देखिए, कॉन्गो नदी, इसे जायरे नदी भी कहते हैं, कॉन्गो नदी को जायरे नदी भी कहते हैं, अफ्रीका की सबसे विशाल नदी है, विशाल मतलब बड़ी नदी है लेकिन लंबी नहीं है, जैसे अमेजन बड़ी है, नील लंबी है, यहाँ कॉन्गो या जायरे बड़ी है मगर नील लंबी है। बड़ी का मतलब मैंने बताया था जिसकी सहायक नदियां अधिक हो और पानी उसमें अधिक हो, सहायक नदी या उस नदी में पानी
अधिको वो नदी बड़ी मानी जाती है, और जिसकी लंबाई अधिक हो वो लंबी मानी जाती है। ठीक है, यस, आगे चलते हैं। देखो तो यहां पर, अच्छा, विश्व की उन महानदियों में से जो भूमध्य रेखा को दो भागों में बांटती है, कौन? कांगो। इसलिए महान बनता है कांगो, क्यों? क्योंकि विश्व को दो भागों में बांटता है। ठीक है, आगे चलिए। ये तो अब जलप्रपात देखते हैं, प्रमुख जलप्रपात। प्रमुख जलप्रपात में को झरना भी कहते हैं, विक्टोरिया फॉल है ना, विक्टोरिया फॉल। ध्यान रहे कि इसमें प्रमुख जलप्रपात है विक्टोरिया फॉल, और उसके बाद है टूगेला फॉल। ये सब फॉल याद रखने की जरूरत नहीं है, इतने ज्यादा फालतू के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। विक्टोरिया याद रखिए, विक्टोरिया को स्थानीय भाषा में ये सब नहीं, अफ्रीका की। अच्छा, विक्टोरिया फॉल कौन कौन सी नदी पे है? जम्बेजी नदी पर है ना। और एक दूसरा है टुगेला फॉल, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात अफ्रीका में, टुगेला। पहला सबसे बड़ा कौन था? नियाग्रा। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो गया? टुगेला। कहाँ है टुगेला? अफ्रीका में। बाकी फैक्ट आप ध्यान में नहीं रखेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। प्रमुख झील, विक्टोरिया की जो प्रमुख झील है वो चार्ड झील है, चार्ड, अल्बर्ट, मलावी, टांगानाइका, मवेरू, एडवर्ड, विक्टोरिया, नेवाशा। ये सब इंपॉर्टेंट है जो मैंने अंडरलाइन कर लिया है ना। और ये सब झील यहाँ देखो, लेक चार्ड यहाँ दिखेगा, तो चार्ड झील है यहाँ, विक्टोरिया झील, रूडोल्फ झील, मलावी झील है ना, कावेरू झील, टांगानाइका झील, एडवर्ड झील, अल्बर्ट झील, टाना झील, चार्ड झील। झीलों के बारे में आपको मैं एक खास बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना ही है। पहले मैं इसको जूम कर देता हूं, फिर ध्यान से सुनो। ये देखिए, ज्यादातर झील इसी क्षेत्र में है, ध्यान रखना इस बात का, ज्यादातर झील इसी क्षेत्र में है, और ये क्षेत्र अफ्रीका की धनस घाटी वाला क्षेत्र है। ठीक है, अफ्रीका की धनस घाटी वाला क्षेत्र है। धनस घाटी में ये झीलें हैं, और आपको याद भी रखना पड़ सकता है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, इन झीलों के नाम भी याद रखना पड़ सकता है। ठीक है, इन झीलों के नाम आपको याद रखना पड़ सकता है उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। ये सारे झील आपको अफ्रीका की भ्रंश घाटी में दिख रहे होंगे, अफ्रीका की भ्रंश घाटी में। अब मैं आपको थोड़ा सा दक्षिण से उत्तर की तरफ ले जा रहा हूं। चलिए, दक्षिण से उत्तर कौन कौन सी झीलें हैं, इंपॉर्टेंट सीक्वेंस में आपको याद रखना है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर, दक्षिणतम में सबसे नीचे लेक करीबा, जम्बेजी नदी है यहां पर। ठीक है, एक लेक है करीबा, दक्षिण से उत्तर करीबा झील बिल्कुल नीचे है, कौन सी नदी पे? जम्बेजी पे। उसके ऊपर न्यासा झील,
के ऊपर न्यासा झील है ना, उसके ऊपर मवेरू झील, ये देखो मवेरू, न्यासा करीबा, और उसके ऊपर टांगा नायिका झील, टांगा नायिका के ऊपर सीक्वेंस लिख लेना, याद रख लेना, इसमें दिया नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। एडवर्ड करीबा न्यासा मवेरू टांगा नायिका एडवर्ड, एडवर्ड के बाद विक्टोरिया, उसके ऊपर विक्टोरिया, उत्तर की तरफ हम जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ, विक्टोरिया, फिर लेक ताना, ताना झील, फिर नसीर झील, लेक नसीर, फिर लेक चाड, चाड दिख रहा है आपको, इसके ऊपर भी एक है लेक वोल्टा, चाड़ी को सबसे ऊपर मानो। तो ये सीक्वेंस है साउथ टू नॉर्थ, ध्यान रहेगा साउथ टू नॉर्थ है ना। आगे चलते हैं, झीलों का सीक्वेंस है, इनमें सबसे बड़ी कौन सी, विक्टोरिया, भूमध्य रेखा इसके माध्यम से गुजरती है, ये भी ध्यान में रखना है कि किस झील के माध्यम से भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा भी बताया था ना, ये देखिए यहाँ पे विषुवत रेखा है और ये लेक विक्टोरिया है। प्रमुख पठार देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेटूज अफ्रीका के प्रमुख पठार, प्रमुख पठारों में आपको जो ये तस्वीर दिख रही है यहीं पे दिखेगा प्रमुख पठार कौन कौन से हैं। देखिए इन पठारों में सबसे पहले यहां दिख रहा होगा आपको, मैं बता दूं, पठार और पर्वत, पठार और पर्वत हम देख चुके थे मेरे ख्याल से, हाँ ये तो देख चुके हैं, फिर भी देख लो, एट प्लस अगर ये हम देख चुके हैं इसलिए पठार, बस मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये पूर्वी अफ्रीकी पठार, इथियोपियाई हाईलैंड, कटंगा का पठार है ना, के बाद ये तीन इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा कुछ याद नहीं रखना है, फालतू के नाम नहीं याद रखने ज्यादा, ठीक है आगे चलते हैं। हाँ मरुस्थल में भी प्रमुख मरुस्थल अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थलों में, राइट, ट्रेडिशनली देखो मैं इसलिए इसको बता रहा हूं अभी फटाफट, क्योंकि सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट तभी होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, जब इनमें से किसी का नाम किसी भी करंट अफेयर में जुड़ा होगा तब तो वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट के बाद जो है जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ सकते हो, टाइम नहीं है तो, ठीक है उसमें अपने टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए, प्रमुख मरुस्थल, प्रमुख मरुस्थल कौन सा ये देखते हैं, सहारा, ये तो प्रमुख है ही, आपको सहारा रटना नहीं है, सहारा का आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली सहारा कहाँ पर है, तो ये देखिए ये पूरा क्षेत्र सहारा मरुस्थल का है, बहुत बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। हाँ पूनम गुड मॉर्निंग, सोनम अनुराधा, यस ठीक है, बाकी लोग तो आ ही चुके हो। ये देखो काला हारी दूसरा इंपॉर्टेंट, यहां है काला हारी, नामीब जो इंपॉर्टेंट है मैं वही टिक लगा रहा हूं, नामीब, देखो यहां है नामीब, बस आपको जानना है कहां पे और कुछ नहीं करना,
इससे ज्यादा पढ़ोगे आईएएस नहीं बन पाओगे, मैं बता दे रहा हूँ। आईएएस बनने के लिए बहुत बारीकियों पर ध्यान देना पड़ता है, इसलिए मैं यही बता दे रहा हूँ, आपका समय बचेगा। ये सब नहीं पढ़ना आपको, एरिट्रिया वगैरह ये सब कुछ नहीं है ना। अब ये देखिए, प्रमुख मरुस्थलों में ये तीन नाम दिखाई दिए, मैं आपको अपनी तरफ से कुछ और दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे जो लिखा हुआ ये नहीं, इधर देखिए, लुबियन डेजर्ट ये दिख रहा है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, लुबियन, ठीक है। और ये सब ओगाडान, एक है ओगाडान, यहाँ पे ये दो याद रखना आपको, ज्यादा नहीं याद रखना है। ओगाडान ये अफ्रीका के सींग के पास है, अफ्रीका का सींग है ये, ठीक है, ये अफ्रीका का सींग है, और यहां पर ओगाडान है, और नूबियन सहारा के पीछे नूबियन है, ये इंपॉर्टेंट है। सिनाई देखो, यहाँ सिनाई है क्योंकि बॉर्डर पे है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिनाई डेजर्ट, स्वेज नहर के पास है सिनाई, स्वेज नहर के पास सिनाई मरुस्थल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और नीचे कौन से मरुस्थल इंपॉर्टेंट है ये दिखा दे रहा हूं मैं। एक तो ये है नामीब, कालाहारी और ग्रेट कारू, डेजर्ट नहीं है बेसिकली, ग्रेट कारू पथरीला इलाका है, पथरीला, छोटे छोटे पत्थर है। हॉर्न, हॉर्न सोनम, होम नहीं, हॉर्न, हॉर्न मीन सींग ना, देखो ये सींग की तरह है। अभी मैं आऊंगा इस पर भी, ये अफ्रीका का जो ये हिस्सा है ये सींग की तरह बना हुआ है, तो अफ्रीका का सींग कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, HORN, हॉर्न, ठीक है। अच्छा, ये जो बाकी मरुस्थल है इनके नाम याद नहीं रखने आपको, जो मैंने टिक लगाया बस वही याद रखने है ना। आगे चलते हैं, ये देखो, प्रमुख खाद्य फसल भाई, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा। चावल कम पैदा होता है क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है, विषुवत रेखीय इलाकों में बस चावल होता है, बाकी और कहीं नहीं। ज्यादातर यहाँ पे मोटे अनाज के दाने, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, क्योंकि शुष्क क्षेत्र है ना, ड्राई रीजन है, सेमी ड्राई, अर्ध शुष्क और शुष्क है, तो शुष्क क्षेत्र में कौन सी फसलें उगाते हैं, यही मोटे अनाज वाले, ज्वार, बाजरा। नकदी फसल, मूंगफली, कोको, कॉफी, कपास, सिसाल, ये सब नकदी फसल है। प्रमुख जल संधि कौन सी है, प्रमुख जल संधि देखो, बाब बाब एल मेंडेब, ये जिब्राल्टर, मोजाम्बिक, जो मैंने इंटरलाइन किया वही प्रमुख है, बाकी प्रमुख नहीं है, छोड़ दो, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तीन है, मोजाम्बिक, जिब्राल्टर, बाबेल मैंडब, ठीक है। जिब्राल्टर आपने देखा ही है। समय क्षेत्र, पूरे अफ्रीका को 13 मानक समय क्षेत्र में डिवाइड किया गया, ध्यान रखिएगा 13, और जीएमटी से +4 इसका टाइम है, मतलब जीएमटी से 4 घंटे आगे चलता है, ग्रीनविच मीन टाइम। उष्णकटिबंधीय जलवायु, यहाँ की जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय नम और शुष्क, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, अर्ध रेगिस्तानी, उष्णकटिबंधीय हाईलैंड। अब आप सोचोगे इतनी जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल, एक महाद्वीप, क्योंकि बहुत बड़ा महाद्वीप है ये, तो छोड़ो हमारे भारत में 8 प्रकार की जलवायु है, अफ्रीका तो फिर भी बड़ा है और यहाँ कमी जलवायु, इलाकों में जलवायु बदल जाता है, जैसे रेगिस्तानी इलाका है तो वहां जलवायु शुष्क हो जाएगी, तटीय इलाके तो उष्णकटिबंधीय तटीय इलाकों में जलवायु नम हो जाएगी, विषुवतीय क्षेत्र के पास मानसूनी जलवायु पाई जाएगी, रेगिस्तानों में अर्ध शुष्क पाया जाएगा, है ना।
पठारी इलाकों में उपोष्ण कटिबंधीय हाईलैंड, हाईलैंड मतलब पठार, पठारी इलाकों में पाए जाए, और उष्ण कर्क रेखा और मकर रेखा के पास उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। क्षेत्र अलग अलग है, अलग अलग भौगोलिक दशाएं हैं, तो अलग अलग जलवायु भी होगी। ठीक है, अमंता गुड मॉर्निंग। देखो 3,000 जातियां, ये सब याद नहीं रखना है, 2,000 भाषाएं, आइडिया रखना है, चलो दिमाग में रहना चाहिए ना कि भाई भाषाएं बहुत है यहाँ पे, जातियां भी बहुत है। ठीक है, मुख्य जो प्रजाति है, जनजाति, जुलू, मसाई, सैन, बुशमैन, झोना, होसा, हीमा, ओरोमो, कालेंजिन, चागा, ये सब प्रमुख प्रजातियां वहां की, जनजाति है, ट्राइब्स जिनको कहते हैं। ये देखो इसमें भी जो महत्वपूर्ण है, जुलू, मसाई, सैन बुशमैन, ये तीन इंपॉर्टेंट है इनमें भी। ठीक है, आगे चलिए। ये हो चुका है, ये देखिए, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल अल अजीजिया, लीबिया। ठीक है, अल अजीजिया विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? अल अजीजिया कहां पर है? लीबिया में। देख लो लीबिया कहां है, अल अजीजिया लीबिया में है। ठीक यहां पर, यहां पर विश्व का सबसे गर्म स्थान पाया जाता है, कौन सा? अल अजीजिया, अल अजीजिया। ठीक है, लीबिया में विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल। यहां अभी तक सब सर्वाधिक जो तापमान रिकॉर्ड किया गया, कितना किया गया? अलजीरिया में 58 डिग्री, ध्यान रखिए 58 डिग्री सबसे ज्यादा तापमान। ये मैंने बता ही दिया है, कॉन्गो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखिए, कॉन्गो विषुवत रेखा को 2 बार और लिम्पोपो बिल्कुल नीचे था, मैंने दिखाया था, वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश घाना है। गोल्ड कोस्ट है वो गोल्ड कोस्ट कहाँ है? ये देखिए पॉलिटिकल में दिखेगा ना गोल्ड कोस्ट, देखिए ये है, इसको गोल्ड कोस्ट कहते हैं इस देश को, क्योंकि यहाँ सोने के निक्षेप पाए जाते हैं, सोने के पुराने अवशेष निक्षेप पाए जाते हैं। कहाँ पे? गोल्ड कोस्ट में। ये इसी को गोल्ड कोस्ट कहते हैं, इसको आइवरी कोस्ट कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखो अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा मतलब अभी इसको बहुत आगे बढ़ना है, पोटेंशियल तो है यहाँ पे, लेकिन
अफ्रीका में एक भंडार है, पोटेंशियल है, खनिजों का भंडार है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन ये अभी भी पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसको अंध महाद्वीप कहते हैं। यहाँ के मूल निवासियों को काला कहकर सारे महाद्वीप को काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप घोषित कर दिया गया था। अंध का जो मूल मायना है वो पिछड़ा हुआ, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ, लेकिन यूरोपियन ने यहाँ को अंध इसलिए कहा कि यहाँ लोग काले लोग पाए जाते थे। ठीक है, आगे चलिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पूर्वी भाग को अभी दिखाया था मैंने, और आपको ध्यान में रखना है अफ्रीका का जो सींग है, अफ्रीका का सींग, इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इथियोपिया, ये पूछता है, एग्जाम में पूछ चुका है कई बार, सोमालिया, जिबूती, कौन देख लीजिए आप। ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये चार देश है, ध्यान रखिएगा, जूम करके मैं दिखा दे रहा हूं। ये अफ्रीका का सींग है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और इसमें चार देश हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया। चारों देश नाम याद रखने हैं आपको, चौथा भी एक इरिट्रिया, इरिट्रिया भी याद रखना। अगर पूछा जाए हॉर्न ऑफ सींग में कौन से देश आते हैं तो ये चार आते हैं। ठीक है, सोमालिया, जिबूती, इथियोपिया और इरिट्रिया, ERITREA। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर जो है वो काहिरा है। एंटवर्प, ये दक्षिण अफ्रीका में है, एंटवर्प हीरा का सबसे बड़ा केंद्र है। अफ्रीका महाद्वीप के सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश केनिया है, सर्वाधिक चाय उत्पादन करता है। जैतून, ट्यूनिशिया, विश्व का सबसे विशाल हीरा दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खान से किसने ढूंढा था? थॉमस कुलियान, इसलिए इस हीरे का नाम क्या रखा गया? कुलियान हीरा। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? कुलियान हीरा। ठीक है, अफ्रीका में अबिसिनिया का पठार और दक्षिण अफ्रीका का पठार, ये तो पठार की बात है। विश्व की सबसे बड़ी महान भ्रंश घाटी इसी में, कौन सी? ग्रेट रिफ्ट वैली। विश्व की सबसे महान घाटी ग्रेट रिफ्ट वैली इसी महाद्वीप में स्थित है। यूनेस्को के अनुसार अफ्रीका में 2000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, है ना? अधिकतर भाषाएं अफ्रीकी मूल की हैं, परंतु यूरोपीय और एशियाई प्रभाव भी देखा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होते हुए भी अफ्रीका विश्व का सबसे दरिद्र और सबसे अविकसित भूभाग है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अभी इन संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाया है, अधिकांश जनसंख्या आज भी अशिक्षित है। स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया था? इसकी लंबाई कितनी है? राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसके दक्षिण में कौन से पतन हैं, पोर्ट हैं, है ना? ये भी देखना है। अब मैं आपको अंततः अफ्रीका की कुछ और महत्वपूर्ण बातें बता दूं जो कि महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही कहा कि बहुत महत्वपूर्ण तभी होता है जब करंट अफेयर से जुड़ा होता है, जब वो करंट अफेयर से जुड़ा होता है। ठीक है,
चलिए महत्वपूर्ण बातों पे आते हैं अफ्रीका की, खासकर पॉलिटिकल, तो नहीं फिजिकल, पॉलिटिकल तो कल करेंगे, फिजिकल वाला ही आज कर ले रहे हैं, कल पॉलिटिकल का कर देंगे। ठीक है, देखिए फिजिकल में आपको और क्या जानना है अच्छे से, चलिए फिजिकल मैप पे आते हैं, कुछ जानकारी मैं दे दे रहा हूँ और, ताकि आप फिजिकल को अच्छे से कर लें। ये देखिए भाई, ये बताइए, ये पूछा जाता है कई बार परीक्षा में कि भूमध्य रेखा के पास कौन कौन से देश हैं, भूमध्य सागर के पास, सॉरी भूमध्य सागर के पास कौन कौन से देश पाए जाते हैं। ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है और ये देश आपको साफ साफ नहीं दिख रहे हैं, फिर भी मैं आपको सीक्वेंस बता दे रहा हूं, सीक्वेंस याद रखना आपको कौन कौन से देश हैं। आइए देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है मोरक्को, ये भूमध्य सागर से सटे हुए देश, ध्यान रखिए अफ्रीका के, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, इसको याद कैसे रखोगे, MATLE, मैटल, याद रहेगा मेटल, मतलब ये जो देश है अफ्रीका के पूर्व से पश्चिम, सॉरी पश्चिम से पूर्व, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेटल क्या होता है, तो ये देश है कहां से, पश्चिम से पूर्व, जो भूमध्य सागर से लगे हैं। ठीक है, अच्छा अब आइए लाल सागर, यहां पर लाल सागर, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ये तो अभी बता दिया, लाल सागर इधर है, ये देखिए अफ्रीका और एशिया को तो अलग करता है उसे लाल सागर कहते हैं, यहां पर लाल सागर है, ध्यान रहे इधर भूमध्य सागर था, इधर लाल सागर है, तो लाल सागर से सटे हुए अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं, कैसे याद रखोगे, देखो इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और जिबौती, ये लाल सागर से जुड़े हुए देश हैं, मतलब लाल सागर की बाउंड्री पे कौन कौन से, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबौती, जिबौती डी से शुरू होता है, ESED, ये आपको याद रखना है, ESED। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा इधर कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन है ना, इधर हिंद महासागर, हिंद महासागर से सटे हुए कौन से देश हैं, ये आपको ध्यान रखना है, देखिए सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मलावी, मलावी नहीं, मलावी अंदर है, मोजाम्बिक, मलावी ये अंदर है, मोजाम्बिक और फिर साउथ अफ्रीका, इसको कैसे याद रखेंगे, एस नॉर्थ टू साउथ, हिंद महासागर से सटे हुए देश अफ्रीका के, एस के टी एम एस ए, एस के टी एम एस ए। ठीक है, इसको कोई भी नाम दे सकते हो है ना,
सभी काम तोड़कर मैं साउथ अफ्रीका जाऊंगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। सभी काम तोड़कर, छोड़कर नहीं, तोड़कर, ठीक है, सभी काम तोड़कर मैं साउथ अफ्रीका जाऊंगा, इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है, याद कर लो। चलिए, और कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं। महत्वपूर्ण जो गल्फ है, गल्फ मतलब खाड़ी, ये देखिए इसमें महत्वपूर्ण गल्फ यहां दिख रहा होगा आपको, गल्फ ऑफ गिनिया, गिनी की खाड़ी कहते हैं इसको, गिनी की खाड़ी है ना। गिनी की खाड़ी, केप ऑफ गुड होप, ये अंतिम किनारा है, अंतिम छोर है दक्षिण अफ्रीका का, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। यहां पर एक बे है, खाड़ी है, इसका नाम है वेलविस, वेलविस बे, ये भी खाड़ी है, और मोजाम्बिक के पास ये है, यहां पर एक है मापूतो, ध्यान रहेगा ये तीन बता दिया मैंने, एक तो गल्फ ऑफ गिनी, वाल्विस की खाड़ी, मापूतो की खाड़ी, केप ऑफ गुड हॉर्न, ये ध्यान में रखना आपको। अच्छा, ये देखिए, ये बता दिया था स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ है ना, और बाबेल मंडप कहाँ है, यहाँ है स्टेट ऑफ बाबेल मंडप, बाब एल मंडप यहाँ पर है। किसको किसको अलग करता है, जिब्राल्टर इधर यूरोप और इधर अफ्रीका, जिब्राल्टर की जल संधि यूरोप अफ्रीका को अलग करती है, बाबेल मंडप किसको करती है, इधर यमन है एशिया का, यमन और जिबोती अफ्रीका का, यमन और जिबोती को अलग करती है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है, यमन और जिबोती को अलग करती है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें एक आपको लेख बताया था मैंने, लेक टांगानाई का, याद होगा, ये देखिए यहां पर है लेक टांगानाई का, लेक टांगानाई का, ये अफ्रीका की नहीं पूरे विश्व की, ध्यान रखिए, विश्व की सबसे बड़ी ब्रंस घाटी झील है, कौन, लेक टांगानाई का, ठीक है, ये अच्छा, जायरे मतलब कांगो और जम्बेजी, यहां देखिए अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, कांगो और जम्बेजी है ना, कांगो और जम्बेजी, और इसको कांगो जम्बेजी नहीं, जाम्बिया करना है आपको, ठीक है, कांगो और जाम्बिया के बीच में, कांगो और जाम्बिया के बीच में एक झील है, उसका नाम क्या है, मवेरू, ऊपर कॉन्गो, नीचे जाम्बिया, बीच में मवेरू झील, ठीक है। लेक
विक्टोरिया कौन से देश में, ये बताइए कौन बताएगा, अफ्रीका के कौन से देश में लेक विक्टोरिया? लेक विक्टोरिया कौन से देश में? एक विक्टोरिया तीन देशों में, ध्यान रखना आपको। युगांडा, युगांडा, केन्या और तंजानिया, इन तीन देशों में लेक विक्टोरिया है, ध्यान रहेगा, इम्पोर्टेंट फैक्टर। सबसे बड़ा लेक कौन सा है विश्व का? सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील यूरोप में है, क्या नाम है? कैस्पियन। दूसरी बड़ी झील अमेरिका में है, सुपीरियर। तीसरी कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी? विक्टोरिया, ध्यान रहेगा, कैस्पियन, सुपीरियर, विक्टोरिया। CSB सीक्वेंस में याद रखना आपको, ठीक है। अच्छा सीकल से अफ्रीका का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री, बिल्कुल ठीक है सोनम, कॉन्गो एंड जम्बेजी। पूरा वर्ल्ड ही घूमना है, सही कह रहे हो अनुराधा। ये देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं आपको, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नदियों पे चलते हैं, नदियों पे ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे तो मैं मिटा रहा हूं, नदियों देखिए मैंने बताया था, ध्यान में रखना है, व्हाइट नील कहां चला गया? व्हाइट नील और ब्लू नील मिलकर बनाते हैं नील। व्हाइट नील निकलती कहां से? अभी जिसकी बात हो रही थी, विक्टोरिया झील से। और ब्लू नील कहां से निकलती है? ध्यान रखिए, ब्लू नील जो है लेक टाना, अभी बताया था ना टाना झील, टाना झील से निकलती है। अच्छा कहां गिरती है नील? ये देखिए भूमध्य सागर में गिरती है। डेल्टा किस प्रकार का बनाती है? नील जो डेल्टा बनाती है वो है आर्कुवेट, आर्कुवेट मतलब चापाकार। ये देखिए ये नील नदी जब भूमध्य सागर में गिरती है तो इस तरह का डेल्टा बनाती है, तो चापाकार डेल्टा कहते हैं। नील नदी है, चापाकार डेल्टा बनाती है यहां पर, ये देखिए यहां पर, ठीक है। नील नदी को ही इजिप्ट की लाइफ लाइन भी कहते हैं, मिस्र की जीवन रेखा, क्यों? क्योंकि सारी खेती इसी पर निर्भर है मिस्र की, ये ना इजिप्ट, ये इजिप्ट है, यही से नील नदी गुजर रही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा नील नदी पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम के नाम, नील नदी पर कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स जो हैं, असवान, सेनार, ओवन, इसको ओसा करके भी याद रख सकते हो, ओसा, ओवान, सेना, ओवन, सेनार, असवान, ठीक है। अच्छा के बाद चलते हैं, जम्बेजी नदी एक इंपॉर्टेंट नदी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, नील के बाद आ रहा है जम्बेजी।
नील तो हो गई यहाँ पे, जम्बेजी में देखिए, जम्बेजी नदी जहां से निकलती है उस पठार का नाम क्या है यहाँ पर? कटांगा पठार, ठीक है। जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया फॉल है, ये भी बहुत बड़ा फॉल है, बहुत बड़ा विक्टोरिया फॉल है, नियाग्रा की तरह, नियाग्रा सबसे बड़ा है ना। अच्छा, जम्बेजी नदी की एक और खास बात मैं बता दूं, जम्बेजी नदी दो देशों की विभाजक रेखा है, कौन कौन सी? जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन दो देशों के बीच से जम्बेजी नदी जाती है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ध्यान रखना है आपको, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। अनील नदी बनती है ब्लू नील और श्वेत नील से, ब्लू नील और व्हाइट नील से, सोनो से, ठीक है। अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी ये है, देखो यहाँ पे, ये अदन की खाड़ी दिख रहा है, जूम करके दिखा दे रहा हूँ सबको, ये देखो, ये अदन की खाड़ी है, ये लाल सागर है, नील है, जम्बेजी है, ठीक है। आगे देखो, ये जम्बेजी नदी के बारे में, पॉलिटिकल बाउंड्री बनाती है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, राजनैतिक विभाजक, ठीक है। अच्छा, एक नदी यहां देखिए सब लोग, ऑरेंज, ऑरेंज नदी दिख रही है, साउथ अफ्रीका और नामीबिया, ध्यान रखिए, यहां नामीबिया है, इधर साउथ अफ्रीका है, इन दोनों की नेचुरल बाउंड्री बनाती है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी साउथ अफ्रीका और नामीबिया की नेचुरल बाउंड्री बनाती है, भी ध्यान रखना आपको। और ये देखो लिम्पोपो यहां दिख रहा है, दिख रहा होगा लिम्पोपो नदी, पोपो नदी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा को दो बार काटता है, एक इधर से एक इधर से, मकर रेखा ऐसे गुजरती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है ना। और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से अलग करती है, इससे साउथ अफ्रीका को, लिम्पोपो नदी साउथ अफ्रीका को बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से अलग करती है, ये सब चीजें ध्यान में रखने वाली है, बाउंड्री की बाउंड्री बना रही है, ठीक है। और कुछ बातें कुछ महत्वपूर्ण पर्वतों के लिए भी है, जैसे कंचनजंगा एटलस का मैंने बताया था, सबसे ऊंचा कौन सा है, ऊंची चोटी जबल तुबकल, ये एटलस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी थी, पता है आपको, है ना। और एटलस किस एग्जाम, किस पर्वत का है, बलित पर्वत का उदाहरण है एटलस ये, ठीक है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, माउंट किलिमंजारो, दूसरा माउंट केनिया, ये भी मैंने बता दिया, याद रखना है। किलिमंजारो कहाँ है, किस देश में, तंजानिया केनिया के बॉर्डर पे, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ है, तंजानिया में, ठीक है।
चलिए, ये तो था पर्वतों के बारे में जो कुछ खास बातें हैं। मैं बताता हूं लास्ट, मरुस्थल के बारे में। लास्ट है ये, फिर हम कल पॉलिटिकल करेंगे। मरुस्थल के बारे में कुछ खास बातें। सहारा, सहारा की लोकेशन 15 से 30 डिग्री, ध्यान रखिए 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में सहारा है, ध्यान रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना। अच्छा, ये सब महत्वपूर्ण बातें थी फिजिकल मैप से। कल करेंगे पॉलिटिकल। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है ना। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप, अब मैं कुछ बातें आपको संक्षेप में बता दूं जो ध्यान में रखने लायक है, कि आप जो मैपिंग कर रहे हैं, इस मैपिंग में मैं इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूं। जो इम्पोर्टेंट नहीं है आप छोड़ दो। वेरी इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं जब हम करेंट अफेयर्स की क्लास करेंगे ज्योग्राफी की, ठीक है ना। मैपिंग वाले सेक्शन में भी जो करेंट है वो मैं बताऊंगा, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट भी पता चल जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट के बाद कुछ नहीं पढ़ना आपको। यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप क्लास के बाद भी। और जो भी महत्वपूर्ण बातें, इनको बार बार आप देखिए, इसको विजुलाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट। कल फिर चलेंगे और कुछ भागों पर, है ना। कल फिर कुछ और भागों की यात्रा करेंगे अफ्रीका की। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। आप सबका दिन शुभ हो। और लेट्स क्रैक यूपीएससी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन हिंदी। सब्सक्राइब करें चैनल को, यूट्यूब पे कमेंट करें। एनकेएसयूएस कोड है मेरा, इस कोड को जरूर यूज करें। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए इस कोड को यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो ये कोड भूले ना, और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, है ना। और आपको जानकारी दी जा चुकी है सब्सक्रिप्शन आइकॉन सब्सक्रिप्शन की, जिसमें पर्सनल गाइडेंस मिलता है। चलिए, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।